जिंदगी के भिन्न रंगों को समेट कहानी का आकार देता हूं। कुछ इसलिए ही तो कहानीकार कहलाता हूं। मित्रों, हमारी कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कहानियों के घर में आपका स्वागत है। मैं हूं कहानीकार सुधांशु राय और आज की कहानी का नाम है ब्रिम्बा। मानव की महत्वाकांक्षाएं जब हदों को भूल जाती हैं और वो जब खुद को अजय समझने लगता है, तब शुरू होता है भय का एक ऐसा नृत्य जिसको रोक पाना किसी के बस में नहीं। अंगरा में हर कोई अपने अपने घरों को मजबूत करने में लगा था। कोई दरवाजे पर दोहरी लकड़ी लगा उस पर लोहे की सतह चढ़ा रहा था, तो कोई अपनी खिड़कियों पर जटिल सरिये। डर इस कदर उन पर हावी था कि वो कोई भी गुंजाइश छोड़ना नहीं चाहते थे कि उनके घर के अंदर आने का कोई भी रास्ता कमजोर हो। खाने पीने की सामग्री भी अगले 15 दिनों के लिए व्यवस्थित की जाने लगी। बच्चों को आंगरा से दूर भेज दिया गया था। घर पर सिर्फ एक ही सदस्य को रुकने की अनुमति थी, वो भी इसलिए कि घर का रख रखाव हो सके और वो हर रोज अपने घर के बाहर चावल और दही रख सके लगातार अगले 15 दिनों तक। इसका कारण था रात्रि पहर, एक ऐसा पहर जिसको सिर्फ यहां के लोग मानते थे और ये नाम भी यहीं के लोगों द्वारा दिया गया था। ये पहर 15 दिनों तक चलता था और उस बीच एक भयानक अंधकार इस जगह को घेर लेता और अजीबो गरीब आवाजें सबके कानों में गूंजने लगती। ये आवाजें आम नहीं होती थीं, बल्कि दिल को दहला देने वाली होती थी। मान्यता थी ये पहर चांडालों का पहर था और इस समय अनेकों आत्माएं यहां भ्रमण करने आती थीं, और जिसके घर के बाहर चावल और दही ना मिले, अगले ही दिन वो घर दूषित हो जाता। कभी उस घर के अंदर मरे हुए पक्षी मिलते तो कभी खून की बूंदें। धीरे धीरे उस घर में रह रहे लोगों की तबीयत बिगड़ने लगती और भोजन को पकाते ही उनसे अजीब सी गंध आने लगती, मानो भोजन सड़ गल गया हो। अमृताव को इस जगह के बारे में तब पता लगा जब वो तंत्र मंत्र की दुनिया में खुद को शीर्ष पर ले जाने की ठान चुका था। इस लालसा में कि वो अब कुछ ऐसा हासिल करेगा जिसके आगे सब कुछ छोटा लगने लगेगा और लोग उसका नाम लेने मात्र से ही दुबक कर बैठ जाएंगे। हालांकि वो अब तक के अपने कारनामों के लिए पहले से ही विश्व प्रसिद्ध था। लोगों का मानना था वो असाधारण शक्तियों का आवाहन करता है और उनसे कुछ ऐसी ताकत लेता है जो आम मानव को नहीं मिल सकती। जांगरा के लोग खुद को घरों में बंद कर रहे थे, वहीं अमृताव अपनी जिज्ञासा लिए उस जगह पर पहुंच अपनी छानबीन को आगे बढ़ाने लगा। उसने बसावट से दूर ठीक एक पुराने शमशान के करीब ठिकाना बना लिया, क्योंकि आज की शाम आखिरी शाम थी जब लोग घरों के बाहर देखे जा सकते थे। वो अपना बैग लिए लोगों से पूछताछ करने लगा। कुछ लोग जहां उसको देख आश्चर्यचकित थे, वहीं कुछ लोग उसको अजीब नजरों से देख रहे थे। अरे बौरा गए हैं, अरे आप कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप कहां आ गए हैं, जल्दी कट लीजिए यहां से या फिर अंदर दुबक कर रहिए, कल से सिर्फ मृत्यु का साया नजर आएगा यहां, श्रीपट ने सलाह दी। तो अमृताव हंसने लगा, इतनी दूर से यहां वापस जाने के लिए नहीं आया और ना ही आप लोगों की तरह छुपकर बैठने के लिए आया हूं, मुझे सिर्फ ये जानना है कि क्या यहां सच में ऐसा होता है जैसा मैंने सुना है। उससे भी भयानक, खून की उल्टी करोगे, पाताल लोक साक्षात दिखाई देगा, जाओ। इतना कह श्रीपट घर के अंदर चला गया। अरे पर एक बात और पूछनी थी, अमृताव के शब्द गले तक ही रह गए। वहां कोई और भी था जो उसकी ये सारी गतिविधि ध्यान से देख रहा था।
अपनी बुझी आंखें लिए और वो था 90 साल का भृगु जो लगभग अपनी सारी जिंदगी अंगरा में ही गुजार चुका था। शायद यहां ऐसा कोई राज होगा जो उससे छुपा हो। उसने अमृताव को देखते ही भांप लिया था कि वो यहां किसी काम से आया है। अमृताव की नजरें जब भृगु से मिली तो कुछ पल के लिए वो ठहर सा गया। उसे हैरानी इस बात की हुई कि जहां लोग उसे मुंह मोड़ दूर भाग रहे थे वहीं कोई ऐसा था जो ठीक उसकी आंखों में झांक उसको टटोलने में लगा था। जब वो भृगु के करीब आया तो भृगु ही बोल बैठा, जीतने आए हो शक्तियों को। ये सुनते ही अमृताव दंग रह गया। आश्चर्य में उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। आप कौन? अमृताव ने भृगु से उसका परिचय मांगा तो भृगु मुस्कुराया। आपसे पहले भी कोई यही महत्वाकांक्षा लिए आया था, खुद को आग लगाकर यहीं पास के तालाब में कूद गया। उसके पूरे शरीर से खून रिसता रहा, मानो बदन जगह जगह से फट गया हो। तुम भी उसी ओर जा रहे हो, लौट जाओ, और वो भी बिना देरी के। आपको शायद मालूम नहीं कि मैं कौन हूं। बड़ी बड़ी शक्तियां मेरे सामने घुटने टेक देती हैं, मुझे बस यहां उनसे रूबरू होना है। आप बस ये बता दीजिए कौन से समय और कौन सी जगह सबसे ज्यादा अंधकार में डूबी होती है। अमृताव भृगु के बिल्कुल करीब आ गया। जानना चाहते हो तो इस मटके में पड़े पानी का रंग बता दो। भृगु ने सामने पड़े मटके की ओर इशारा किया। अमृताव को कुछ समझ नहीं आया, पर वो जानता था उसकी परीक्षा ली जा रही है। उसने मटका खोला और कुछ सोचते हुए बोला, काला? भृगु स्तब्ध रह गया। आज तक कोई भी उसकी यह परीक्षा पार नहीं कर पाया था। शमशान के पास एक नदी है, ठीक रात 1 बजे सबसे खतरनाक और जटिल शक्तियां भ्रमण करने आती हैं। कल से वहां तुम्हें वो मिल जाएगा जिसकी तलाश में आए हो। अमृताव को वो जानकारी मिल चुकी थी जिसकी तलाश में वो था, पर भृगु को कैसे पता? वो सिर्फ काली शक्तियों को खोज रहा है, वो भी सबसे ताकतवर और जो दहला देने वाली हो। वो भृगु से अगला प्रश्न करता। उसने खुद को अपने घर में जा बंद कर लिया। अमृताव ने कुछ ही समय में आसपास के सभी घरों को बंद होते हुए देख लिया। गलियां सुनसान हो गई, लोगों का कोलाहल सन्नाटे में बदल गया। सिर्फ सन्न करती हवा ही अब अमृताव का साथ दे रही थी। इस तरह की खामोशी उसने आज तक न देखी थी न महसूस की थी। अकेला चलता वो हर राह पर बस खुद की परछाई देख रहा था। चांदनी रात उसको आगे का रास्ता दिखा रही थी। हर मोड़ पर उसे दूर तक सिर्फ अंधेरा ही दिखता। घूमते घामते वो अपने ठिकाने पर लौट आया। उसको अब कल का इंतजार था, जब वो सच में वो कार्य कर पाएगा जिसके लिए वो यहां आया था। रात ने करवट ली और एक अजीब शोर ने अंगरा को घेर लिया। अमृताव के कानों तक की आवाज जब पहुंची तो वो झट से उठ गया। इस आवाज से उसकी पुरानी जान पहचान थी। उसने अपना सामान बैग में डाला और दरवाजा खोल बाहर आ गया। जो मौसम अभी तक साफ था अब बिगड़ा सा दिखा। कोहरा इस कदर पसरा था कि कुछ दूरी पर देख पाना भी नामुमकिन लग रहा था। वो उसकी बूंदें पलकों पर आकर बैठने लगी थी। चेहरे को छूकर जाती ठंडी हवा मानो उसको रगड़कर चली जाती। अमृताव यह सब देख हैरत में पड़ गया। उसने अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ा और अपना कंपास बाहर निकाल लिया। वो कंपास यानी दिशा सूचक यंत्र
उसे आगे का रास्ता दिखाने लगा जिस ओर वो जाना चाहता था। वो आवाजें जो रूह तक को भेद सकती थी अब बढ़ने लगी थी। कुछ खुशबुसाते शब्द वो अब सुन सकता था। अचानक उसके पांव ठहर गए, मानो किसी ने उन्हें जकड़ लिया हो। वो देखना तो नहीं चाहता था, पर हिम्मत जुटा जब उसने नीचे देखा तो पाया जमीन से निकलते कुछ सड़े गले हाथों ने उसको जकड़ लिया था। खून उसके पांव से धीरे धीरे निकलने लगा। दर्द में उसने किसी तरह खुद को आजाद किया, पर जब कुछ दूर कोहरे में भागते वो वापस रुका तो पाया उसके पांव तो बिल्कुल ठीक हैं और खून तो जमीन पर फैला है। वो समझ गया वहां का वातावरण अब उसके दिमाग के साथ खेल रहा है। जो देख रहा है वो छलावा भी तो हो सकता है। कंपस उसे दाईं ओर जाने का इशारा कर रहा था। उसे पता चल गया कि जिस ओर वो जा रहा है वो असाधारण शक्तियों का गढ़ होगा, पर उसे उसका ध्येय भी पता था। वो आज किसी आत्मा को अपना गुलाम बनाकर ही वापस लौटेगा। वो उस आत्मा से सब कुछ करवा सकेगा जो वो चाहता है। दुनिया की हर चीज हासिल कर सकेगा जिसकी वो कामना करता है। पर आगे का रास्ता आसान नहीं था। कभी उसे दलदल दिखता तो कभी ऐसी आवाज सुनाई देती जो उसे मोहने का प्रयास करती। कभी उसे लगता वो जमीन पर चल ही नहीं रहा है बल्कि उसके पांव हवा में हैं। पर जैसे ही वो अपनी मंजिल के करीब पहुंचा कोहरा एकदम से छंट गया। उसे अब सब साफ दिख रहा था। वो एक नदी के किनारे पहुंच गया था जहां कई कौए बैठे थे। अमृताव को सब कुछ अटपटा लगा। बैग से उसने अपनी किताब निकाली जिसे वो आत्माओं का आह्वान करता था। निम्नन कुम्नन सुतब महिम, निम्नन कुम्नन सुतब महिम। वो आंखें बंद किए शब्दों को पढ़ता गया और कुछ ही पल बाद एक आवाज ने उसकी आंखें खोल दी। क्यों बुला रहे हो? यहां केवल मृत ही आ सकते हैं। जीवित को आसपास भी भटकना मना है, तुम्हारी रूह दूषित हो जाएगी। अमृताव के शब्दों ने आत्मा को बुला लिया था जो उसके काम आ सकती थी। मैंने तुम्हें बुलाया है तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। होश में नहीं लगते? मृत लोग से मुझे अपने लोग लेकर चलोगे? मैंने यही ठाना है और तुम मुझे मना नहीं कर सकते, क्योंकि जो शब्द मैंने बोले हैं तुम्हें यहां लेकर आए हैं। और जब तक मैं तुम्हें वापस जाने के शब्द नहीं बोलूंगा तुम यहीं भटकते रहोगे। सोच लो क्या करना है। क्या चाहते हो? उस आत्मा ने प्रश्न किया। तुम मेरे साथ चलो मेरे गुलाम बनकर, मैं तुम्हें जो बोलूं करना होगा। ठीक 10 साल बाद मैं तुम्हें वापस तुम्हारी जगह भेज दूंगा, पर शर्त यही है कि तुम्हें मेरा कहा हर काम करना होगा। और अगर तुमने कोई भी कार्य करने से मना किया या नहीं कर पाए तो 5 साल की अवधि फिर से जुड़ जाएगी तुम्हारे 10 साल की इस अवधि में। अमृताव चालाक था। वो जानता था वो आत्मा कभी न कभी तो कोई कार्य करने में चूकेगी और वो फिर से अगले कई सालों के लिए यहीं फंस कर रह जाएगी। तो मेरी भी एक शर्त है, जिस भी क्षण तुम्हारे मुंह से मेरा नाम निकलेगा उसी समय मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगा और तुम इस दुनिया की सबसे भयानक मौत मरोगे। ये तुम्हें मुझे लिख कर देना होगा। याद रहे, ऐसा करते ही मैं आजाद हो जाऊंगा और तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए इस नदी के किनारे फंस कर रह जाएगी और तभी निकल पाएगी जब कोई तुम्हारे जैसा आएगा तुमको ले जाने के लिए,
जैसे आज तुम मुझे लेने आए हो। अमृताओं ने ऐसा सोचा भी न था। वो हल्का मुस्कुराया और हामी भर दी। पर अगर मैं तुम्हारा नाम नहीं ले सकता तो कोई नाम दे देता हूं। तुम्हारा नाम दुर्गम रहेगा। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? पता चले मैं गलती से तुम्हारा असली नाम बोल गया। मेरा नाम ब्रिम्बा है। और याद रखना, एक बार भी अगर तुमने मेरा नाम लिया, हाँ, तुम आजाद हो जाओगे। सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हें मार भी दूंगा, वो भी अत्यंत दर्दनाक मृत्यु। फिर तुम्हारी आत्मा को इस नदी का कारावास। उस दिन दोनों ने अपनी अपनी शर्त रख दी थी और फिर दोनों ने ही उसे मान भी लिया। पहले कुछ महीनों तो अमृताओं ने वो सब कुछ हासिल किया जो उसे तुरंत चाहिए था, पैसा, रुतबा और लोगों के बीच फैला उसका डर। जो भी उसके रास्ते आता, उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती या फिर वो पागलों जैसा बर्ताव करने लगता। पर अमृताओं को डर भी था कि कहीं किसी रोज वो गलती से उस आत्मा का नाम न ले ले। एहतियातन उसने अपने सबसे भरोसेमंद आदमी दीपक को अपना शागिर्द बना लिया। उसने दीपक को लिखित रूप में अपने अधिकार सौंप दिए, जिसके जरिए अब वो अपने सारे काम उसे करवाता। इस तरह उसने खुद को किसी भी गलती से बचा लिया और अब दीपक ब्रिम्बा से सारे काम करवाता। ब्रिम्बा अमृताव की इस चतुराई से हैरान था। उसको अपनी आजादी के सभी द्वार बंद होते नजर आए। धीरे धीरे समय बीता और लगभग 5 साल अमृताव और ताकतवर बनता गया। खुद को तो वो अब भगवान से कम नहीं मानता था। लोग उसके वहां मदद को आते या फिर अपनी कोई इच्छा पूरी करवाने आते, जिसके बदले वो या तो उनको हमेशा के लिए अपना ऋणी बना लेता या फिर उनसे मुंह मांगी रकम ले लेता। इस बीच ब्रिम्बा और दीपक के बीच की दोस्ती बढ़ने लगी, क्योंकि अब दीपक ही ब्रिम्बा को आदेश देता। ब्रिम्बा भी अब दुनियादारी सीख चुका था। उसने दीपक को प्रस्ताव दिया, कब तक तुम अमृताओं के नीचे काम करोगे? वैसे भी सारे काम तो तुम ही करते हो, और अगर वो रास्ते से हट जाए तो सब कुछ तुम्हारा। दीपक की पहले तो हिम्मत ही नहीं हुई, पर जब उसे लगा कि सच में ऐसा हो सकता है और अगर ब्रिम्बा उसके साथ है तो उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, और अगर ऐसा हो गया तो वो होगा दुनिया का महानतम मनुष्य। एक रोज दीपक ने पूछ ही लिया, तो कैसे होगा ये काम? वो तो तुमसे अब मिलता ही नहीं। ब्रह्मा ने कहा, तुम बस उसके आगे कभी कभी मेरा नाम लेते रहना, बोलकर या लिखित रूप में। बाकी का काम मैं कर लूंगा। दीपक ने ऐसा ही किया। कभी जानबूझ के अमृताव के सामने ब्रिम्बा का नाम ले लेता, कभी लिखकर कोई पर्ची उसके सामने छोड़ देता। अमृताव ने दीपक को कई बार आगाह किया कि उसका नाम दीर्घम बोले या लिखे। फिर एक दिन दीपक अचानक बीच रात भागता उसके कमरे में आ पहुंचा। अमृताव को बीच रात दीपक का इस तरह उसके कमरे में आना अजीब लगा, पर उसने उसकी बात सुनी तो आश्चर्य में पड़ गया। दीपक का एक हाथ लहूलुहान था। उसने कहा, ब्रिम्बा ने इस बार काम किया ही नहीं और उसके साथ ऐसा किया। कहा, अब वो तंग आ चुका है और दीपक के साथ साथ अमृताव का भी पूरा खून बहा देगा ठीक 3 दिन बाद। पर समझौता तो ऐसा हुआ ही नहीं था, वो ऐसा कर कैसे सकता है? अमृताव सोच में पड़ गया। दीपक की यह चाल काम कर गई। अमृताव पूरी रात यही सोचता रहा कि क्या सच में ब्रिम्बा उसे मार देगा।
वहीं ब्रिम्बा पूरी रात अमृताव के कान में अपना नाम फुसफुसाता रहा। सुबह उठते ही अमृताव ने निर्णय लिया कि आज रात वो तैयारी करेगा और ब्रिम्बा को अगली रात जब उसे मारने आएगा तो उसको सबक सिखाएगा। पूरे दिन ब्रिम्बा ही उसके दिमाग में चलता रहा और जब रात वो थक कर सो गया तो उसने एक भयानक सपना देखा जिसमें ब्रिम्बा उसके शरीर से खून का एक एक कतरा बाहर निकाल रहा था। इस भयावह मंजर को देख वो नींद में बड़बड़ाने लगा। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये मुमकिन नहीं। ब्रिम्बा, तुमने हमारे समझौते को तोड़ा है, अब तुम्हारी अवधि मेरे साथ और बढ़ गई। उसके ऐसा बोलते ही एक अजीब आवाज ने उसे घेर लिया। उसे लगा सब सच है, पर अगले ही पल उसकी आंख खुल गई। उसने राहत की सांस ली, पर जब ब्रिम्बा को अपने सामने पाया तो डर गया। यहां क्या कर रहे हो तुम, अमृताव ने बुदबुदाया। तुमने मेरा नाम लिया अभी नींद में, और तुम्हें नियम तो पता है, अब मैं तुम्हें इस दुनिया की सबसे दर्दनाक मृत्यु दूंगा। पर मैंने कब? वो अपनी बात पूरी करता उसका पूरा शरीर अकड़ने लगा, अंदर ही अंदर उसकी हड्डियां टूटने लगी। वो दर्द में चिल्लाने लगा, उसके शरीर की नसें फटने लगी और खून रिसने लगा। ब्रिम्बा बस मुस्कुरा रहा था और अमृताओं के दर्द में खुद की आजादी महसूस कर रहा था। कुछ ही पल बाद अमृताओं की आत्मा ने उसका शरीर छोड़ दिया। उधर जब दीपक ने ब्रिम्बा को जाने से रोका तो ब्रिम्बा ने साफ कह दिया उसका समझौता अमृताओं से था और दीपक को उसने अपना अधिकार सौंपा था, ब्रिम्बा ने नहीं। और अगर वो रास्ते से नहीं हटा तो ब्रिम्बा दीपक का भी वही हाल करेगा जो अमृताव का किया। दीपक को समझ आ गया कि ब्रिम्बा अब आजाद है और उसने दीपक का सिर्फ इस्तेमाल किया जैसे वो और अमृताव सालों से उसका करते आए थे। अब अमृताव की आत्मा अंगरा के उस नदी के किनारे भटकती है इस तलाश में कि कोई उसको लेने आएगा और वो भी आजाद हो पाएगा। सुना है दर्द में चीखती अमृताव की आवाज आज भी वहां गूंजती है। इसी के साथ मैं इस कहानी और अपनी वाणी दोनों को विराम देता हूं। मित्रों, यदि यह कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमारी कहानियां सुनते रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें फेसबुक पर सुधांशु राय ऑफिशियल और इंस्टाग्राम पर कहानीकार सुधांशु राय के नाम से खोज सकते हैं।